आज जो ये हिंदुस्तान की धरती पर, कर्नाटक की धरती पर, और जब से ये सुना कि एक ऐसे संत की हत्या इन निर्मम पापियों ने इस तरीके से कर दी, उस टाइम से ही मन विचलित है। मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि कैसे वो पापी जिंदा है, ऐसे पापियों को चौराहे पे खड़े करके जिंदा जला देना चाहिए, फांसी की सजा उसके लिए कम है। मैं अहिंसा के पुजारी और हम सब, मैं तो खुद जवाहर जैन कानौर से पढ़ा हुआ हूँ, आज मेरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, इस जैन समाज की बदौलत ये परिवर्तन आया है। मैं तो माननीय राष्ट्रपति जी से, कर्नाटक सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री जी से, और अभी मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, आज सुबह ही हमने माननीय सुरेश जी भाई साहब का जैसे ही फोन आया, ओम बिरला जी से बात करी है कि संसद में इस विषय को सबसे ऊपर उठाया जाए और इन दोषियों को जल्द से जल्द कोर्ट के माध्यम से सड़क और चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए, ताकि इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस सनातन संस्कृति पर, इन साधुओं के ऊपर, इन पापियों की नजर पड़े उससे पहले उनकी रूह कांप जाए, ऐसी सजा इनके लिए मिलनी चाहिए कि सकल, अगर कोई आदमी, किसी के विचार दिमाग में आए कि साधुओं के ऊपर बुरी नजर से देखे तो उनकी रूह कांपने लग जाए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आज समस्त भिंडर सकल समाज के समक्ष अपनी पीड़ा प्रकट करता हुआ अनुरोध करता हूँ भारत सरकार, अनुरोध करता हूँ कर्नाटक सरकार से, ऐसे पापियों को जल्दी से जल्दी चौराहे पे खड़े करके जलाकर सजा दी जानी चाहिए। जय जिनेंद्र।